किया सेल्टोस का ब्रेकडाउन वीडियो वायरल हो रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है उस गाड़ी के साथ, कैसे ब्रेकडाउन हो गई और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और मैं इसको कैसे देखता हूँ, मेरा नज़रिया क्या है इसके बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टॉप ऑफ टेक में। तो हुआ ये है कि किया सेल्टोस HTK प्लस डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी किसी बंदे ने ख़रीदी है, और ये गाड़ी 15 दिन पहले ही ख़रीदी है और 2000 किलोमीटर ही चली है। लेकिन ये गाड़ी सड़क के बीच में रात को 3 बजे अपने आप बंद हो जाती है और बहुत बार ट्राई करने पर भी स्टार्ट नहीं होती है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी बकवास है, कि अब मोटर्स कंपनी बकवास है, और ये सारी बातें हो रही है कमेंट सेक्शन में वीडियो के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो कि बहुत लोग बात कर रहे हैं वो ये हो सकता है कि BS4 फ्यूल BS6 के अंदर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई छोटा मोटा मैकेनिकल पार्ट भी इसके अंदर ख़राब हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकती है, तो इस वजह से गाड़ी बंद हो सकती है। आपने भी पढ़ा होगा कि फोर्ड मारुति जैसी कंपनियां छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं गाड़ी में, कुछ लॉट के अंदर, कुछ बैच के अंदर, तो वो गाड़ियां रिकॉल करती है। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक इस गाड़ी के साथ भी हो सकता है। ये तो क्लियर अभी तक नहीं है, लेकिन इससे ये मानना बहुत गलत है कि गाड़ी अच्छी नहीं है, कि या मोटर्स कंपनी अच्छी नहीं है। मैंने पर्सनली गाड़ी देखी है, चलाई नहीं है मैं बता दूं, लेकिन गाड़ी देखी है। और आपने भी कई सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, ऑनेस्ट रिव्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं और आपने भी देखे हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि गाड़ी अच्छी है चलने में। इस चैनल पर भी किया सेल्टोस पर वीडियो आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल तो यही कह सकता हूँ कि आपको और हमें, हम सबको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि किया सेल्टोस अच्छी नहीं है या किया कंपनी अच्छी नहीं है। ये छोटा मोटा फॉल्ट हो सकता है कुछ पर्टिकुलर बैच के लिए या स्पेसिफिक गाड़ी के लिए। किया मोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को वो गौर करें, और जो भी ओनर का प्रॉब्लम है इस गाड़ी के साथ वो जल्द से जल्द सॉल्व करें। और अगर ऐसा एक पर्टिकुलर बैच या लॉट के साथ हुआ है तो उन सभी गाड़ियों को रिकॉल किया जाए। तो यही मैं अपील करना चाहूँगा किया मोटर्स को, और आप सभी को अपील करना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये होता रहता है। और ग्लोबली भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनीज ने अपनी गाड़ियों को रिकॉल किया है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो यही कहना चाहता था इस वीडियो में। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इस केस के बारे में और किया सेल्टोस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।